नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फार्मा सेक्टर की एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है जुबिलेंट लाइफ साइंस लिमिटेड। तो इसके सबसे लेटेस्ट न्यूज़ जो है दोस्तों, उससे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ गए हैं, जहां कंपनी ने फाइलिंग में यह बताया है कि 25 सितंबर को इनकी 41st एनुअल जनरल मीटिंग होगी, इनके रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी जो कि यूपी में है। इस मीटिंग में डिफरेंट पॉइंट पे डिस्कशन होगा, जिसमें एक पॉइंट दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो डिविडेंड का पॉइंट है। दोस्तों इसमें जो प्रपोज डिविडेंड है 4.50 रुपया पर इक्विटी शेयर का है। इसमें नीचे दोस्तों ये भी लिखा है कि जो डिविडेंड है जो कि 4.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर के कैलकुलेशन से जो मिलेगा, जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें अगर अप्रूव होता है तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 24 अक्टूबर या उससे पहले उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। नीचे एक और बातें लिखी हैं दोस्तों, जिसमें एक 13 सितंबर 2019 का डेट है जिस दिन NSDL और CDSL जो हैं, एक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट वो देंगे। तो दोस्तों ये जो 13 सितंबर का जो डेट है, उस डेट को अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके जो डिविडेंड डिक्लेयर हुए हैं वो आपको मिले, तो 13 सितंबर की डेट को इनके शेयर, इस स्टॉक के शेयर आपके होल्डिंग्स में होने चाहिए, जिसके लिए आपको 11 सितंबर या उससे पहले इनके शेयर को खरीदना होगा, तभी इनके शेयर 13 सितंबर की डेट में आपके होल्डिंग्स में होंगे और आप एलिजिबल होंगे डिविडेंड पाने के लिए। तो यही इसका करंट न्यूज़ है दोस्तों। इसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग इसका कुछ फंडामेंटल डिटेल्स देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग NSE की वेबसाइट पे चलते हैं, जहां मैंने पहले से इस स्टॉक की जानकारी निकाल रखी है। जो दोस्तों इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 438.95 रुपया है। इस स्टॉक ने दोस्तों 52 वीक हाई जो है 18 मार्च 2019 को बनाया था, जो कि लगभग 900 रुपये के आसपास था। उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिर रहा है और इसने अपना 52 वीक लो जो है 391 रुपया जो है वो 26 अगस्त 2019 को ही बनाया। उसके बाद ये स्टॉक बाउंस बैक दिखाया है और आज के जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 438.95 रुपया के आसपास है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर दोस्तों हम चलते हैं, तो जो इनका फाइनेंशियल रिजल्ट है वो क्वार्टर एंडेड मार्च और जून में अगर हम कंपेयर करें तो इनका जो टोटल इनकम है वो थोड़ा घट गया है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ गया है। ये कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, हर साल डिविडेंड दे रही है और इस साल भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी जब इनका मीटिंग होगा 25 सितंबर को। अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जो, तो प्रमोटर और या प्रमोटर ग्रुप के पास जो शेयर होल्डिंग है वो है 50.68 है और पब्लिक जो FII है और DIS जो हैं उनके पास 49.32 है। इनकी प्लेस परसेंटेज भी देख लेते हैं दोस्तों, प्रमोटर्स ने कितने शेयर प्लेज करके रखे हैं। तो प्लेज जो प्रमोटर्स प्लेज परसेंटेज जो है दोस्तों ये 0 है। इस कंपनी के बारे में मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 7000 करोड़ है। इस कंपनी पे डेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका डिप्ट इक्विटी रेशियो जो है 0.99 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। फंडामेंटली ये ठीक ठाक कंपनी है। ये स्टॉक दोस्तों राकेश झुंझुनवाला जी के भी पोर्टफोलियो में है। ये टोटल लगभग उनके 30 लाख शेयर के आसपास उन्होंने खरीद रखा है, जो कि लगभग 2% होता है। फंडामेंटली ये ठीक ठाक स्टॉक है, स्टॉक में मुझे कोई खराबी नहीं दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस स्टॉक के शेयर को खरीदना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो खुद स्टडी जरूर करें। मुझे फार्मा सेक्टर का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज है तो इस स्टॉक के बारे में स्टडी करें और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।